नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं मूल अधिकारों के बारे में। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, उसमें हमने नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हुआ करते थे वो सब देख लिए थे, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11, ये हमने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। और ये कौन से भाग में है संविधान के, तो ये संविधान के भाग 2 में है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है ना। कम से कम ये 5-6 भाग तो आपको याद ही होने चाहिए। तो ये सब हमने उसमें बढ़िया से देख लिया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप जाइए और शांतिपूर्वक ढंग से वो लेक्चर देखें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मूल अधिकारों के बारे में, ठीक है ना। मूल अधिकार है संविधान के भाग 3 में। कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों की चर्चा मुख्यतया की गई है, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी करे शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, हर साल मेंस हो या प्रीलिम्स हो, ठीक है ना। देखो, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार का विवरण है, ये याद रखना है। भाग 3 में है, ये आपको याद याद रख लेना है ना। संविधान निर्माता जो है वो कहाँ से प्रभावित होकर मूल अधिकार उन्होंने लिए थे? तो अमेरिकी संविधान से प्रभावित होकर उन्होंने मूल अधिकार ग्रहण किए थे, ये आपको याद रख लेना है। अब देखो, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। कल को ऐसी चीज एग्जाम में दे दे कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, स्पष्ट करे, मेंस में आ गया। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाग 3 में दिया क्या है, तभी तो आप उसके बारे में लिख पाओगे। तो ये इसलिए आपको भाग याद रखने हैं। भाग 3 जो है वो है, उसमें क्या है, मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। अभी मैग्ना कार्टा सब क्या है? तो देखो, ये शब्द आया है ब्रिटेन से। कहां से आए हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या थी? राजशाही। अब सोचो, आज जैसे लोकतंत्र है वैसे अधिकार के राजशाही में आम लोगों को मिलते होंगे? बिल्कुल नहीं मिलते होंगे। तो हुआ क्या, 1215 ईस्वी की बात है, एक भला राजा हुआ करता था, जॉन, है ना। और भी इसका कोई सरनेम था तो छोड़ो, पर जॉन को पकड़ो। भला राजा एक हुआ करता था जॉन। उसने 1215 में क्या किया, एक आदेश जारी किया। उसके जितने भी नोबल्स हुआ करते थे, कौन, उसके जो भी आप कहो कि सामंत वगैरह हुआ करते थे, जो लॉर्ड्स हुआ करते थे, उन लॉर्ड्स को एक आदेश जारी किया जाता है वहां के महाराजा जॉन के द्वारा। और उसमें लिखा जाता है कि आज से जनता के कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिन्हें छीना नहीं जा पाएगा, जिन्हें छीना नहीं जा पाएगा। इससे पहले क्या है, राजा जिसको चाहे फांसी चढ़ा दे, जिसको चाहे कुछ भी करे, परंतु अब इस आदेश के माध्यम से यह कह दिया गया कि भाई जनता के कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिनको चाहे राजा हो चाहे सामंत हो, कोई भी छीन नहीं पाएगा। आम जनता के कुछ ऐसे अधिकार होंगे। तो ये चीज अगर आप देखो तो बहुत ही क्रांतिकारी चीज उस काल में हुआ करती थी। 1215 ईस्वी की बात है। 1215 में भारत में देखो क्या था, अपने यहां दिल्ली सल्तनत चल रही होती है। क्या? दिल्ली सल्तनत का काल अपने यहां भारत में रहता है। अभी तो मुगल भी भारत में नहीं आते। तो सोचे उस काल में वहां पर ब्रिटेन में एक जनता के अधिकार जो है वो जनता को दे दिए जाते हैं वहां के राजा जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में। तो ये जो आदेश जारी किया गया था ना, इस आदेश को ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो अब जब भी ऐसा कोई क्रांतिकारी चीज जनता के भले के लिए की जाती है, उस चीज को क्या कह दिया जाता है, मैग्ना कार्टा का नाम दे दिया जाता है। जैसे शिक्षा में मैग्ना कार्टा, वुड डिस्पैच को कहा जाता है ना, तो इसको क्यों कहा जाता होगा भाई? इसमें कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए गए होंगे शिक्षा के लिए, कुछ ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाए गए होंगे शिक्षा के लिए, इसलिए उनको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कह दिया गया। और इसे क्या कह दिया गया, अधिकारों का मैग्ना कार्टा। इसीलिए भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, संविधान का भाग 3 है ना, इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि संविधान के भाग 3 से पहले भारत में ऐसे कोई अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेज जो है यहां पर शासन किया करते थे, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया भाई मैग्ना कार्टा क्या है और इसका इतिहास क्या है, ठीक है साहब। अब देखो, भारत में एक बहुत बड़ी सूची अपने यहां दी गई है, जिसमें न्यायोचित मूल अधिकारों की चर्चा वहां पर की गई है ना। और मूल अधिकारों के बारे में जितनी बड़ी विस्तृत चर्चा हमारे संविधान में की गई है ना, वो कहीं दुनिया के देश में ऐसी चर्चा नहीं की गई है। भले ही वो अमेरिका का संविधान भी क्यों ना हो, भारत में ही इतनी विस्तृत चर्चा
की गई है बिना किसी भेदभाव के। भारत में हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, है ना, देश का किसी भी भाग से संबंध रखता हो, उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी जाति का, लिंग का, धर्म का, है ना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता का, सम्मान का, राष्ट्रहित और राष्ट्र एकता को समाहित करता है कौन, ये जो भाग 3 है वो। अब देखो मूल अधिकारों का मतलब क्या है, ये है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के लिए ये बनाए गए हैं। मूल अधिकार मतलब इनका आशय है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। मूल अधिकार जो है, कल को क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेगी, राजनीतिक लोकतंत्र किसकी सहायता से पूरे किए जाते हैं, या किसमें इनका राजनीतिक लोकतंत्र का वर्णन है, मूल अधिकारों में, डीपीएसपी में, प्रस्तावना में, तो आप क्या कहोगे, मूल अधिकारों में। और अगर कहे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात किसमें की गई है, तो डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मतलब नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है ना, ये ऐसी चीजें पूछी जाती है, ये याद रखना, है ना। मूल अधिकार करते क्या हैं, ये नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। भाई किससे करेंगे, तो जो व्यवस्था है, या आपको कि राज्य है, यानी सिस्टम आप कह सकते हो, यहाँ पर व्यवस्था बनाए रखने वाली बात अलग है, पर मैं यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, है ना, हमें कोई जो लाइन में लिखी है उसी तक अपने आप को थोड़ी सीमित रखना है। राज्य हो गया, तो राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं कौन, मूल अधिकार। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी में बन गया था कि मूल अधिकार नागरिकों को राज्य से सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही है ना। ये जो सरकार है, जो विधानमंडल है, उसकी तानाशाही को मर्यादित रखते हैं। कैसे, आज मोदी जी जो है, आप समझो, आप कहोगे सर मोदी जी के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि सरकार में अभी यही है, कल को दूसरी सरकार बन जाएगी तो हम उसकी चर्चा कर लेंगे। कल को ये आपको एकदम हाई वो नहीं हो जाना, हाई पर, क्यों नहीं, मोदी जी का नाम कैसे ले लिया सर, हम तो समर्थन करते हैं। आप किसी को भी समर्थन दें, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, और मैं तो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक आदमी, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है, मैं तो बस जो आपको, आप रिलेट कर पाओ। कल को मोदी जी सरकार में है, मोदी जी ये कह दे कि भैया जिस भी आदमी को चाहे हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, हैं, जिस भी आदमी को चाहे उसको फांसी पर चढ़ा सकते हैं, हम भैया शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे, हम ये अधिकार नहीं देंगे, हम महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे, तो क्या होगा भाई, ये तो तानाशाही सरकार हो जाएगी। परंतु सरकार का बनाया कोई भी कानून, उसको मर्यादा में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उस क्या करेगा, न्यायिक समीक्षा उसकी करेगा, और न्यायिक समीक्षा के साथ आधार पर होगी भाई, एक तो ये समीक्षा होगी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्या ये संविधान की मूल भावना के विरोध में तो नहीं है, क्या ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, क्या ये अधिकारातीत तो नहीं है, यानी गवर्नमेंट के अधिकार में नहीं है, फिर भी सरकार ऐसा कानून बना रही है ना, तो पता लगेगा भाई मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है सरकार का ये आदेश या सरकार का ये निर्णय, तो सब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। जैसे मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी एक कानून लेके आए इलेक्टोरल बॉन्ड का एक कानून लेके आए, ठीक है साहब, ले आए, फिर मोदी जी ने पास भी करा लिया और बाहर बहुत सालों तक चल भी गया, परंतु मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 19 के तहत सूचना का अधिकार है ना, वो सूचना का अधिकार जनता तक नहीं जाता, इसलिए मूल अधिकार का उल्लंघन, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सरकार को मर्यादा में रखा कि नहीं रखा, अगर सरकार ऐसे ही करती जाए तो सरकार तो तानाशाह हो जाएगी ना, तो सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए, उसको मर्यादा में रखने के लिए क्या है, मूल अधिकार है ना। मतलब अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो उसका मतलब है कि यहां पर कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की, मतलब कानून से व्यक्ति व्यक्ति से मतलब नहीं होगा कानून को, जैसे आज मोदी जी हैं, कल को मान लीजिए राहुल आते हैं, कल को कोई और आता है, कल को योगी जी आते हैं, कल को कोई और आता है, तो सब अपने अपने हिसाब से कानून नहीं चलाएंगे, जो संविधान में लिखा है, जो कानून है, उसकी सरकार होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के, क्योंकि जो कानून की सरकार होगी वह अव्यक्तिक सरकार होगी, उसमें वही चीजें होगी जो कानून में लिखी हुई है, परंतु व्यक्ति की सरकार मतलब अपने विम्स एंड फैंसीज के अनुसार काम करेंगे, मनमर्जी के अनुसार, है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है
कि मूल अधिकारों का उद्देश्य कानून के सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की सरकार। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? फिर यूपीएससी से खेला खेलेगी, एक सही है, दो सही है, तीन सही है ना? तो ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब देखो, मूल अधिकारों को ये मूल नाम क्यों दिया गया? भाई अधिकार तो है पर मूल है, ये मूल नाम क्यों दिया गया है? तो ये इसलिए दिया गया है क्योंकि इन अधिकारों को संविधान के द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। यानी कोई एक्ट जो है वो गारंटी प्रदान नहीं करता, कोई सरकार की आप कहो कि कृपा पे ये गारंटी नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट की कृपा पे भी गारंटी नहीं है। ये गारंटी कौन देता हमें? संविधान देता है। और संविधान क्या है? हमारे देश का मूल कानून है। तो जब मूल कानून ही ये अधिकारों की गारंटी दे रहा है, इसलिए ये मूल है, ऐसा स्टेटमेंट भी बन सकता है। दूसरा, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए है, यानी चहुंमुखी विकास के लिए, उसका भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास हो, उसके लिए ये मूल अधिकार आवश्यक हैं। अगर ये मूल अधिकार आपको नहीं दिए जाएं, तो आपका व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं पाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल है, इसलिए इन्हें मूल अधिकारों का नाम दिया गया। तो मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, ऐसा स्टेटमेंट बन जाए। एक तो संविधान के द्वारा इन्हें गारंटी प्रदान की गई है जो कि राष्ट्र का, कानून का मूल सिद्धांत है। दूसरा, व्यक्ति के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है, इसे इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। समझ में आ गई बात? आगे सर, आगे चलते हैं। हालांकि जब संविधान बना था तो संविधान ने हमें सात मूल अधिकार दिए थे। संविधान में सात मूल अधिकारों का उल्लेख हुआ करता था। कौन से? तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का, संस्कृति और शिक्षा का, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परंतु आज के टाइम पे हमें छह मूल अधिकारों का आप कहो कि उल्लेख देखने को मिल जाता है संविधान में। आप कहोगे सर, एक संविधान, एक अधिकार कौन सा गायब कर दिया? तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, आर्टिकल 31 वाला, इसको समाप्त कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के माध्यम से 1978 में, यानी 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से अलग कर दिया। ठीक है साहब, मूल अधिकारों से अलग करके फिर रखा कहाँ इसको? तो इसको रख दिया गया संविधान के भाग 12 में, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत, या 300 का के अंतर्गत इसे रख दिया गया। एक कह दो या क्या कह दो, इसके अंतर्गत अब इसे रख दिया गया। इसलिए अब ये मूल अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार तो अभी भी है और संवैधानिक अधिकार भी है। क्यों संवैधानिक अधिकार है? क्योंकि संविधान के अंतर्गत वर्णित है, इसलिए संवैधानिक और कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अभी भी है परंतु ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है साहब, ये चीजें हम समझ गए, यही यहां पर लिखा। अब मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं जो है वो है, वो विशेषताएं एक एक करके देख लेते हैं, स्टेटमेंट यहां से बन जाते हैं। इन मूल अधिकारों में कुछ तो ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। तो आप कहोगे सर, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है? तो मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इन पांच आर्टिकल्स में जो अधिकार दिए गए ना, वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। किन को प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है ना? चाहे वो नागरिक जो है विदेशी लोग, कानून व्यक्ति, जरूरी है ना, ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। इसके सिवाय जो दूसरे कानून, जो जो दूसरे अधिकार हैं, वो सबको प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो कानूनी व्यक्ति हो। अब ये कानूनी व्यक्ति कौन से बला आ गया भाई? हमने तो व्यक्ति का नाम सुना है, कानूनी कौन सा व्यक्ति है? कानूनी व्यक्ति वो होता है जैसे कोई कंपनी है जो किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है ना, तो उसे कानूनी व्यक्ति कहा जाता है। कानूनी व्यक्ति मतलब अब इसके ऊपर केस किया जा सकता है और ये भी किसी के ऊपर केस कर सकती है, ये अपना केस लड़ सकती है ना, इस प्रकार से इसे कहते हैं कानूनी व्यक्ति। जैसे कोई कंपनी या काउंसिल हो जाती है, वो क्या हो गई? कानूनी व्यक्ति। तो ये पांच अधिकार है ना, 15, 16, 19, 29, 30, ये रट लेना आर्टिकल। इन आर्टिकल में जो अधिकार है वो सिर्फ नागरिकों को है, बाकी सबको प्राप्त है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे नागरिक हो, कि चाहे कोई कानूनी व्यक्ति हो। ठीक है साहब। दूसरी, ये मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो असीमित नहीं है। मतलब अगर हमें बोलने की आजादी दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि कल आप किसी को गालियां देने लगो। हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार में
हमें स्वतंत्र विचरण का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कल को आप किसी के घर में घुस घुस जाओ और कहोगे भाई हमें तो स्वतंत्र विचरण का अधिकार है इसलिए हम तो किसी के घर में घुसेंगे और करेंगे, है ना। इसका मतलब इन पे कुछ सीमाएं हैं, यानी मूल अधिकार बिना सीमाओं के नहीं है, इन पे सीमाएं हैं। आपका अधिकार तभी तक है जब तक आप किसी दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं करते। आपको बोलने की आजादी है, आप अपने विचार जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे की मान मर्यादा और उसके चरित्र को भंग करें, ऐसा तो नहीं है ना। कल को आप किसी को गालियां देने लगो, किसी के बारे में चरित्र भंग वाली बातें करने लगो, तो फिर आपके ऊपर मानहानि का केस लगेगा। तो ये असीमित नहीं है। हाँ, ये वाद योग्य जरूर है। वाद योग्य मतलब जैसे प्रस्तावना जब हमने पढ़ी थी तो मैंने क्या कहा था कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है। आप कोर्ट में जाके ये नहीं कर सकते कि सर प्रस्तावना में ये वाली बात लिखी है और ये सरकार एनफोर्स नहीं कर रही है, लागू नहीं कर रही है, इसलिए सरकार पे आप दंड लगाओ, है ना। तो वो कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, परंतु ये जो मूल अधिकार है ये वाद योग्य हैं। अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट इनके आपके पास सुनेगा और केस भी चला सकेगा, है ना। कि जैसे आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, आपने सरकार के खिलाफ कुछ बात कही कि मोदी सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, इस बात पे आपके घर पे ईडी आ गई, चलो वो तो आती है, आपको जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसलिए और कुछ कारण कानून कारण नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ कि भाई मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है ना, मेरे स्वतंत्र विचरण का अधिकार, मेरे जीवन जीने का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगा भाई आपने ऐसे क्या क्यों किया, मोदी जी क्या ऐसी बात हो गई थी, तो मोदी जी कहेंगे भाई ये मेरे को सवाल पूछ रहा था, तो कोर्ट कहेगा भाई सवाल पूछने का अधिकार इसे है आर्टिकल 19 में। तो ये वाद योग्य हैं, पर राज्य उनपे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब है कुछ मर्यादा तो इनके ऊपर भी होनी चाहिए ना, कुछ मर्यादा तो रखिए आप भी, है ना, असीमित नहीं है ना। परंतु ये कारण जो युक्ति युक्त प्रतिबंध सरकार ने लगाए हैं वो उचित है या नहीं है इसका निर्णय कौन करती है, इसका निर्णय करती है अदालत। कल को सरकार जो है, जैसे बिटकॉइन वाला मामला था, अब सरकार ने क्या किया, बिटकॉइन वाले को बैन कर दिया, सीधा सीधा बैन कर दिया। तो भाई जो लोग बिटकॉइन का व्यापार करते थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सीधा सीधा बैन कर दिया, आपने तो जो व्यापारी थे इनके व्यवसाय करने का अधिकार जो था आर्टिकल 19 में मूल अधिकार है वो तो आपने सीधा सीधा पूरा छीन लिया। तो सरकार ने कहा भाई साहब ये गलत चीज है ये बिटकॉइन वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है ये, यानी चूहे को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपने चूहे को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया है, ज्यादा से ज्यादा लठ का इस्तेमाल कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप रेगुलेट करो, क्या करो, रेगुलेट करो, आपका अधिकार है ठीक है, परंतु उनका भी व्यवसाय करने का अधिकार है ना, तो इसका कारण ये उचित है कि नहीं ये कौन देखेगा, कोर्ट देखेगा, है ना। और व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के बीच संतुलन भी कायम किया जाता है ना, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और सामाजिक नियंत्रण भी बना होना चाहिए। कल को भाई आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कल को आप खड़े होकर भड़काऊ भाषण दे रहे हो और इस चक्कर में समाज में दंगे हो गए, समाज की जो ताना बाना खराब हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा, इनके बीच में संतुलन होना चाहिए। वे सभी सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, मतलब ये जो मूल अधिकार है ये किसके विरुद्ध उपलब्ध है, हमें सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जनता की रक्षा करने के लिए मूल अधिकार हैं। आप कहोगे सरकार ऐसे लोकतंत्र में ऐसा कैसे कर देगी, सरकारें करती है, लोगों को उठा के जेल में डाल देती है, यहां तक कि मरवा तक देती हैं। आप सोच के देखो, आपके फोन को हैक कर लिया गया थोड़े दिनों पहले, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया गया, जो आप कहोगे आईफोन जो कंपनी है, आईफोन ने भी मैसेज भेजे लोगों को जो, और उनमें कहा गया कि भाई आपको मोबाइल को पेगासस वायरस के द्वारा उसके ऊपर निगरानी की जा रही है, तो ये तो मूल अधिकारों का उल्लंघन हो ना, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार तो मूल अधिकार है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कह दिया पुट्टास्वामी केस में कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है, तो सरकार जब लोगों के निजता का हनन कर रही है, लोगों की निजता का हनन कर रही है, उनके मोबाइल में वो क्या कर रहे हैं उसको झांक रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप उनके मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। तो ये किसके विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध है। हालांकि ये आरोप है अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया कि सरकार ने पेगासस वायरस किया कि नहीं किया, परंतु पेगासस जो कंपनी जो पेगासस वायरस को ऑन करती है वो सिर्फ सरकार को ही ये वायरस देती है, प्राइवेट व्यक्ति को देती नहीं है, और जब भारत में लोगों को करवाया जा रहा है तो फिर कौन करेगा, अमेरिका की सरकार तो भारत के लोगों, विपक्ष के लोगों का और मीडिया का क्यों करवाएगी। तो
तो तर्क ये कहता है कि भाई भारत सरकार ने करवाया पर इसके कोई सबूत हमें मिले नहीं। चलो आगे आ जाते हैं। देखो इन मूल अधिकारों में कुछ जो है वो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है, यानी आपको कोई निजी व्यक्ति भी आपके स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकता। कल को कोई आपको आगे बोलेगा नहीं चुप रहे तो वो भी नहीं कह सकता, आपको बोलने का अधिकार है। आपको कोई पकड़ के घर में रख ले, आपको बंदी बना ले कोई निजी व्यक्ति भी, भाई सरकार तो फालतू में जेल में डाल दे वो तो अलग ही बात है, परंतु अगर कोई निजी व्यक्ति भी आपको पकड़ के जेल घर में बंद कर ले तो भी आपके पास मूल अधिकार है कि भैया इस आदमी के खिलाफ आप जाओगे और बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो है रिट सुप्रीम कोर्ट से आप जारी करवा सकोगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। वो साउथ की एक मूवी आई थी सूर्या की, क्या नाम था उसका, उसमें देखना आप, वो बहुत बढ़िया मूवी आप देखना, उसमें बताया गया अच्छे से। अब इनमें से जो कुछ मूल अधिकार है वो तो नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं। नकारात्मक विशेषता मतलब जो सरकार की सीमाओं को सरकार के अधिकारों को सीमित करती है, भाई किसी के अधिकारों को सीमित कर रही है मतलब नकारात्मक ही है ना। और कुछ सकारात्मक भी है, जैसे कुछ अधिकार तो सरकार को ये अधिकार देते हैं कि सरकार जो है कुछ लोगों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करे, जैसे SC ST हो गया, महिलाएं हो गया, है ना, इन लोगों के लिए। और ये न्यायोचित हैं, अगली विशेषता ये न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब अदालत में आप जा सकते हो, आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप अदालत में जा सकते हो और जाके कह सकते हो कि महाराज हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, सरकार ने हमारे इन इन फलां फलां अधिकारों का उल्लंघन किया है, अब तो आप देखो। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो फिर केंद्र सरकार से पूछेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है साहब, इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। कल को UPSC पूछ ले कि मूल अधिकारों को हाई कोर्ट द्वारा गारंटी प्रदान की गई है, गलत। हाई कोर्ट तो आपका केस सुनने से मना भी कर सकते हैं कि भाई हम आपका मूल अधिकार वाला केस नहीं सुनेंगे, पर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। परंतु होता ऐसे है कि आपको पहले हाई कोर्ट में ही जाना चाहिए, अगर हाई कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, पर अगर जाना चाहो इमरजेंसी है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तो मूल अधिकारों का गारंटर कौन है, कौन गारंटी देता है, सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है ना। ठीक है साहब, ये भी हमने देख लिया, आगे जाते हैं। अब देखो ये मूल अधिकार स्थायी नहीं है, स्थायी का मतलब ऐसा नहीं है कि ये मूल अधिकारों में कभी कटौती की ही नहीं जा सकती है, इन्हें कम नहीं किया जा सकता। भाई पहले मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, पर इस संपत्ति के अधिकार तो 44th अमेंडमेंट के माध्यम से 1978 में इसको खत्म कर दिया गया, मतलब ये स्थायी नहीं है, है ना, ये अजर अमर नहीं है, इनमें कटौती की जा सकती है, कटौती कर दी ना इसमें। ठीक है साहब, परंतु अगर इनमें कोई भी कटौती मूल अधिकारों में की जाती है तो वो साधारण बहुमत से नहीं होगी बल्कि एक संशोधन अधिनियम के तहत होगी, आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें 2/3 बहुमत जो है वो सरकार को चाहिए होगा संसद में, है ना। तो साधारण विधेयक के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जाएगी, एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो कि आर्टिकल 368 में है उसके माध्यम से संशोधन इनमें किया जा सकता है। परंतु एक और बात, मूल अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, इन्हें कम भी किया जा सकता है, कटौती भी की जा सकती है, परंतु ऐसे मूल अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और ये वाली बात कब कही गई थी, तो 24 अप्रैल 1973, ये डेट आप याद रख लेना। इस दिन क्या हुआ था, तो केशवानंद पॉलिटी में, आपको इस UPSC के सफर में केशवानंद भारती जो केस है इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। भगवान को मानो ना मानो, गीता रामायण महाभारत याद हो ना हो, केशवानंद भारती केस आपको याद होना चाहिए, UPSC निकालना है तो दिल में मत लेना बात को, और लेना तो भाई ले लो कोई नहीं, है ना, क्योंकि हमारे लिए जो है अपना धर्म, अपनी गीता, अपनी रामायण सब क्या है, संविधान है। संविधान और कानून में जो लिखा है ना वो हमारे लिए है, जो गीता और इनमें लिखा है वो देश में लागू नहीं करना है, हमें क्या लागू करना है, संविधान कानून का शासन लागू करना। तो ये केशवानंद भारती केस आपको याद रखना चाहिए। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, आर्टिकल 352 में जब आपातकाल पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी समझो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इन कानूनों को, यानी जो मूल अधिकार है, इन मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी सस्पेंड किया जा सकता है कि भाई फला फला मौलिक अधिकार जो है लागू नहीं होगा। परंतु
अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी चाहे आप कोई सा भी आपातकाल लगा दो, आपका अनुच्छेद 20 और 21, यानी 20 में है गिरफ्तारी से संबंधित वो है ना, यानी आपको गिरफ्तार अपने ही तरीके से गिरफ्तारी से संबंधित ये कुछ है प्रावधान है इसमें, और 21 जो है इनमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इमरजेंसी लगी हो इसका मतलब नहीं है कि सरकार किसी को गोली मार दे, नहीं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आपको तब भी मिलता रहेगा, है ना। इनको छोड़कर बाकी अधिकारों को सरकार जो है वो निलंबित कर सकती है। इनमें भी एक केस है कि अनुच्छेद 19 जो है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला अधिकार, इसको सिर्फ तभी स्थगित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाया गया हो। भाई राष्ट्रीय आपातकाल दो कारणों से लगाया जाता है, एक तो युद्ध या विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह हो जाए। तो सशस्त्र आंतरिक विद्रोह अगर हुआ तो आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते, परंतु अगर विदेशी आक्रमण हो गया, मान लीजिए कल को पाकिस्तान हम पे हमला कर दे, चीन हम पे हमला कर दे, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना वैसे, पर ऐसा हम पर हमला कर दें तो सरकार आर्टिकल 19 को निलंबित कर देगी। आज से नागरिकों का जो आज़ादी का अधिकार था ना, बोलने की आज़ादी का, व्यवसाय करने की आज़ादी का, इधर से उधर घूमने की आज़ादी का, वो सब पर प्रतिबंध है। परंतु कल को अगर हमारे देश में ही कोई विदेशी हम पर हमला नहीं करें, हमारे देश में ही कुछ लोग सशस्त्र विद्रोह कर दे, बंदूक उठा ले और सड़कों पर आ जाए और हमला, आपको कि सशस्त्र विद्रोह कर दे, तो फिर सरकार अनुच्छेद 19 जो है उसको सस्पेंड नहीं कर सकती, 20-21 को तो किसी स्थिति में नहीं कर सकती है, ठीक है ना। हो गया, इनको और डिटेल में जब हम इमरजेंसी आपातकाल पढ़ेंगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो आगे क्या है, अनुच्छेद 31 का है ना, अनुच्छेद 31 के में संपत्ति के अधिग्रहण पर कानून की कुछ सीमाएं हैं, है ना। दूसरा अनुच्छेद ख जो है ना, इस अनुच्छेद खे में क्या है, नौवीं अनुसूची जो मैंने आपको बताया था ना, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से 1951 में ही लाया गया था और तब अपने पीएम हुआ करते थे नेहरू जी, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है ऑलरेडी। तो नौवीं अनुसूची में कौन से कानूनों को डाला गया था, भाई शुरुआत में तो जो भूमि सुधार से संबंधित कानून थे उनको डाला गया था, उसके बाद में तो इसको हर तरीके के कानून डाले जाने लगे इसमें, केंद्र और राज्यों के, जिनको भी केंद्र सरकार चाहे या राज्य सरकार चाहे कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से बचाना हो उनको। तो अनुच्छेद 31 खा में उन अनुच्छेद उन कानूनों की चर्चा की गई है जो अनुच्छेद जो कि नौवीं अनुसूची में डाली गई, ठीक है। अनुच्छेद 31 गा में क्या है भाई, तो अनुच्छेद 31 गा में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है मान लीजिए जो अपने डीपीएसबी है, डीपीएसबी जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको बताऊंगा। डीपीएस में ऐसा लिखा है भाई, संपत्ति संबंधी जो भी ऐसा मानता है उसको सरकार को दूर करना चाहिए, सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, लोगों को भाई डिसेंट वर्क मिल जाए ऐसा उनको देना देना चाहिए, है ना। अगर सरकार ऐसा कोई काम करती है और वो कदम या वो कानून सरकार बनाती है और वो कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वो मूल अधिकार उस स्थिति तक या उस हद तक नहीं माना जाएगा जिस हद तक अनुच्छेद 31 ग का प्रावधान कहता है। समझ में नहीं आया ना, अब समझाता हूं। मान लीजिए अनुच्छेद 31 ग में यह चर्चा की गई है, इसमें डीपीएसपी भी है, डीपीएसपी में है भाई कोई भी आप डीपीएसपी से संबंधित कानून लागू करते हैं, जैसे सरकार कह दे समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, इसमें क्या है भाई, सब धर्मों चाहे धर्मों से मतलब नहीं है, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ठीक है सर। अब कल को सरकार ये कानून लागू करती है और कोई दूसरे कम्युनिटी का व्यक्ति है, मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति है, वो कह दे साहब इस कानून की वजह से तो हमारे मूल अधिकारों का, स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, हमारे अनुच्छेद 19 का उल्लंघन हो रहा है, हमारे साथ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है या हमारे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो रहा है, तो भी सरकार क्या कहेगी, भाई कोई नहीं होने दो आपका उल्लंघन, क्योंकि अगर डीपीएसपी में लिखे किसी कानून को सरकार लागू करती है उसकी वजह से मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो मान लीजिए कि उस हद तक वो मूल अधिकार है ही नहीं,
है ना, मतलब ये रोक नहीं पाएंगे मूल अधिकार, इतना समझो आप, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जहां जहां अनुच्छेद 31 गा आता है ना, वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है, ठीक है। अब अगला प्रावधान क्या है, जो सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, गुप्तचर संस्थाएं हैं, इनके मूल अधिकारों पर संसद प्रतिबंध आरोप कर सकती है। भाई कल को अर्धसैनिक बल आके कहने लगे मुझे बोलने का अधिकार है और मैं तो जहां चाहूं वहां घूमूं, हाँ मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं तो अपनी बंदूक लेकर जहां चाहूं वो जो करूं, ऐसा नहीं कर सकते वो, है ना। क्यों नहीं कर सकते भाई, ये सब करने लगे तो अनुशासन कहां जाएगा। इसलिए इनके मूल अधिकारों पर संसद जो है वो कानूनी प्रतिबंध लगा देती है। और ऐसे इलाके वहां भी मूल अधिकारों का उल्लंघन, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन रोक दिया जाता है जहां पर फौजी कानून लगा हो, यानी मिलिट्री रूल जहां पर लगा हो वहां पर भी कोई मूल अधिकार लागू नहीं होंगे। फौजी कानून मतलब सैन्य शासन, मिलिट्री रूल जहां पर लागू कर दिया गया हो। मिलिट्री रूल जो है वो ऐसा मान्य परिस्थितियों में लगाए जाते हैं, मान लीजिए कि देश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो नहीं संभाल पा रही है, सामान्य पुलिस कुछ नहीं संभाल पा रही है, तो फिर वो मिलिट्री को दे देंगे, भाई आप जो है अब जनता को कंट्रोल में करो, देश को सामान्य परिस्थितियों में लाओ। तब तक मिलिट्री शासन जो है देश में लगाया जाता है और अब सारे कानून जो है वो मिलिट्री अपने अकॉर्डिंग चलाएगी, फिर मिलिट्री जिस पे लठ बजाना उस पर चल बजाए शांति स्थापित करने के लिए। मिथुन की एक मूवी है ऐसा, उसमें ऐसा किया गया है, मैंने देखी थी बहुत सालों पहले। ठीक है साहब, अब अनुच्छेद 35 में एक प्रावधान है कि कोई भी मूल अधिकार अगर हैं उनमें अगर परिवर्तन करना हो तो वो कानूनों में परिवर्तन कौन करेगा, संसद करेगी, ना कि कोई विधानमंडल। यानी विधानमंडल को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, मूल अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन करना तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद करेगी। ऐसा स्टेटमेंट बन जाए कि मूल अधिकारों में परिवर्तन राज्य विधानमंडल कर सकते हैं तो गलत है, सिर्फ संसद कर सकती है। अब देखो यहां पर राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की, क्योंकि जब जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उनमें आएगा कि राज्य जाति लिंग धर्म के आधार पर राज्य लोगों से भेदभाव नहीं करेगा। तो भैया राज्य आ गया तो राज्य का मतलब क्या है, तो इस राज्य का मतलब बताया गया है अनुच्छेद 12 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 12 ईस्वी नहीं, अनुच्छेद 12 में। इस अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई कि भाई राज्य में क्या क्या शामिल होगा, राज्य में क्या क्या शामिल होगा, किससे संबंधित, अनुच्छेद 3 के उद्देश्य के लिए, है ना, ये किसी और उद्देश्य के लिए नहीं है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो सिर्फ भाग 3 के लिए है, भाग 3 में जितनी भी राज्य की चर्चा है उसकी परिभाषा है अनुच्छेद 12 में। कल को आप कहे कि भाई भाग 43, अनुच्छेद 43 में राज्य की जो परिभाषा है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे, तो राज्य का मतलब क्या है, तो उस राज्य की चर्चा अलग से अनुच्छेद में की गई है। परंतु जो अनुच्छेद 12 में चर्चा की गई है, राज्य की बात हुई है, राज्य की परिभाषा की, वो सिर्फ भाग 3 पर लागू होती है। अब इस अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं, तो भाई एक तो संसद शामिल होती है केंद्र के स्तर पर और एक केंद्र सरकार यानी संघीय सरकार, ठीक है साहब। राज्य पर आ गया राज्य विधानमंडल प्लस राज्य सरकार हो गया भाई, एक राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो कल को कहेगी भाई राज्य नागरिकों के मूल अधिकारों पर का उल्लंघन नहीं कर सकता, मतलब ये सारी चीजें नहीं कर सकते। और स्थानीय निकाय वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगे, कोई नगर पालिका हो, कोई पंचायत हो, कोई जिला बोर्ड या कोई न्यास हो, कोई ट्रस्ट हो, वो जो है वो भी राज्य है, वो भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। ऐसा स्टेटमेंट बन जाएगा कि अनुच्छेद 12 के संदर्भ में अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जाता है, और कौन सा आ गया भाई, ऐसा कोई दूसरा निकाय जो वैधानिक निकाय हो परंतु वो गैर संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक मतलब जो कि संविधान में चर्चा नहीं हो परंतु किसी कानून से बना हुआ हो, वो भी राज्य की श्रेणी में आएगा। जैसे LIC है, तो LIC कल को आपके मूल अधिकार का उल्लंघन करे तो वो भी राज्य की श्रेणी में ही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ONGC है, सेल है, भेल है, इस प्रकार के अन्य जो है वो सब भी राज्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है साहब। और इन इकाइयों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी जा सकती है जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। ये है मूल अधिकारों के से संबंधित आप कहो कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में एक और चीज आती है, क्या ऐसे कोई भी निजी इकाई यानी कोई भी प्राइवेट एजेंसी हो
या कोई प्राइवेट बॉडी हो जो कि बतौर राज्य के संस्था काम कर रही है। कल को मान लीजिए टाटा सन्स जो है उसको केंद्र सरकार कहते कि भाई आपको हम ये काम दे रहे हैं कि आप जो है ये फला फला ये जीएसटी नेटवर्क आप यही आप ही चलाओगे, है ना। और कल को टाटा नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर दे या बतौर सरकार की संस्था एक टाटा नेटवर्क काम कर रही है ये मूल अधिकार का उल्लंघन करे, तो इसमें भी आपको क्या माना जाएगा यहां पर भी? तो फिर ये जो निजी इकाइयां हैं इन्हें भी राज्य की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट अभी 2022 या 2023 की प्री में बना, ठीक है ना? ठीक है साहब। अब अनुच्छेद 12 की चर्चा हमने देख ली। अनुच्छेद 13 में क्या चर्चा है कि ऐसे कोई भी कानून, ये चर्चा कब की हो रही है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, संविधान जब लागू हुआ था तब की बातें ऐसी हो रही है। अनुच्छेद 13 में उन चीजों की चर्चा है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने से पहले तो ब्रिटिश अपने यहां कानून हुआ करता था, और ब्रिटिश कानून तो आपको पता ही है किस प्रकार के बने हुए थे, वो तो ब्रिटिशर्स के हितों के लिए थे, हम लोगों के हितों के लिए थोड़े थे। तो भाई बात उठी कि हमने मूल अधिकार तो लागू कर दिया, परंतु कुछ कानून तो ऐसे बने हुए हैं भारत में जो तो मूल अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन भी करते होंगे। अब ऐसे कानूनों का कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के पता लगाएं? तो सरकार ने कहा या संविधान सभा ने यह सोचा कि बाहर में गए अलग अलग कानून, हमने देखना नहीं है कौन सा कानून कर रहा है, हम एक अनुच्छेद 13 जोड़ते हैं। और इस अनुच्छेद 13 में यह लिख देते हैं भी कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है वो कानून मान्य ही नहीं होगा वहां तक, है ना। मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य घोषित हो जाएंगी अनुच्छेद 13 के अनुसार। कल को कोई कानून है बोलने की आजादी छीनने वाला, प्रेस एक्ट मान लीजिए, अंग्रेजों ने खूब लगाया हम पे, तो वो प्रेस एक्ट जो है वो जनता के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वो अनुच्छेद 13 के अनुसार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यह कोई कानून हो सकता कि आधा कानून है उसके आधे कानून के प्रोविजन जो है वो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करते, आधे करते हैं, तो जो जो जिस हद तक मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं उस हद तक वो विधि शून्य मानी जाएगी। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 13 में। अब ये तो हो गया उन तब के कानूनों के बाद जो जब संविधान लागू हुआ था तब। अब भाई उसके बाद में अगर सरकार कानून बनाए तो संविधान कहता है कि भाई उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसे अनुच्छेद 32 में, और जो हाई कोर्ट्स हैं उनको अनुच्छेद 226 में ये अधिकार है कि अगर ऐसा कोई भी कानून सरकार बनाए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हें गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा बहुत सारे कानून हैं जिनको सरकार ने जो है या सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, जैसे आईपीसी की धारा 377 हुआ करती थी। इसमें क्या था? इसमें समलैंगिक वालों की बात हुआ करती थी, भाई समलैंगिक जो जोड़े होते हैं उनकी बात इसमें थी। अब तक इस कानून को ये में क्या था कि अगर कोई दो समलैंगिक है यानी पुरुष पुरुष महिला महिला अगर वो कोई अपने निजी संबंध बनाते हैं तो उनको गैर कानूनी माना जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये उनकी निजता का अधिकार है, आपको ये समझना होगा वो उनकी निजता का अधिकार है, वो प्राइवेट स्पेस में जो भी करते हो आपको उससे क्या मतलब है, वो उनकी निजता है, और निजता का अधिकार मूल अधिकार है। ये पुट्टा स्वामी केस में 2017 में ऑलरेडी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 377 जो है, ये 377 क्या है? ये 377 अवैधानिक है, अभेद है। तो आर्टिकल ये आईपीसी की धारा 377 ये समाप्त कर दी गई थी, इस प्रकार से कर देते हैं, है ना। अब यहां पर बात आई भाई विधि की, हमने बात की भाई ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है वो विधियां शून्य हो जाएंगी, पर हिसाब ये तो बता दो कि विधि के अंतर्गत आएगा क्या क्या, इस विधि शब्द में क्या क्या आएगा। देखो ऐसे हर एक चीज के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है इसीलिए हमारा संविधान बड़ा है। तो इस विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, संविधान सभा में बातचीत हुई तो संविधान सभा में बात कही गई भाई इस विधि के अंतर्गत ये वाली चीजें आएंगी। कौन सी? अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया है जिन्हें स्थायी विधियां भी कहते हैं, स्थायी विधियां जो संसद या राज्य विधानमंडल ने कानून बनाया हो तो वो विधि के अंतर्गत आएगा। दूसरा, अस्थायी विधियां भी इसके अंतर्गत आएगी। अस्थायी विधियां मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति आर्टिकल 123 और 213 के तहत ये क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। तो ये अध्यादेश जो है
ये है अस्थाई विधेयक, क्योंकि ये तो 6 महीने तक इनका का समय होता है, उसके बाद तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये अध्यादेश भी विधि जो है उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है साहब। कुछ होते हैं प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान का मतलब अधिकारों का प्रत्यायोजन का मतलब आपको समझ में आता है? आपको पता क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपकी माँ ने आपको कहा कि बेटा जा और मार्केट से दूध ले आ, ठीक। आपने क्या किया? आपके छोटे वाले भाई को कह दिया जा भाई दूध ले गया। तो आपने क्या किया? अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन किसे कर दिया? छोटे वाले भाई को। ऐसे ही संसद और विधानमंडल करते हैं। संसद कोई भी कानून बनाती है तो मोटा मोटा खाका तैयार करके देती है। उस कानून के अंतर्गत छोटे छोटे आदेश होते हैं, नियम होते हैं, उपनियम होते हैं। ये सब चीजें कौन भरता है? ये सब चीजें कार्यपालिका भरती है, सरकार बनाती है ये सब चीजें, है ना। तो ये जो प्रत्यायोजित विधान है ना, सरकार कोई नियम बनाए, उपविधि बनाए, अभिनियम बनाए, अध्यादेश जारी करे, ये सब भी क्या आएंगे? ये भी विधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है साहब। और विधि का कोई गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली कोई रूढ़ी या कोई प्रथा हो, वो भी इस विधि के अंतर्गत ही आएगी। जैसे कोई रूढ़ी है भाई, जैसे सती प्रथा है, ये रूढ़ी है पर ये विधि का पालन कर रही है। या कोई और रूढ़ी आप मान लीजिए कि भाई दहेज वाली रूढ़ी होगी, दहेज देना पड़ेगा, घूंघट प्रथा हो गई, ये रूढ़ियां ही तो हैं अपने समाज में। तो ये रूढ़ियां कानून का ही काम करती है, इनका जो उल्लंघन करता है उन्हें आप कहो कि भुगतना पड़ती है सजा। तो ये सब भी विधि के अंतर्गत आएंगी। यानी कि कोई प्रथा, कोई रूढ़ी अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर कानूनी करार दे देगा। जैसे 3 तलाक, ये क्या है? ये कोई कानून थोड़े था, ये 3 तलाक कोई रूढ़ी है, कोई प्रथा है, ये मूल अधिकार का उल्लंघन कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, कोई प्रत्यायोजित विधान और विधि का आप बल रखने वाली कोई रूढ़ी या प्रथा, ये सब चीजें विधि के अंतर्गत आती है, विधि की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ये सब चीजें आपको याद यहां पर रखनी है, बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं। ये मोटा मोटी चीजें हो गई। अब अपने जो है मूल अधिकार आ गए, इन मूल अधिकारों की चर्चा हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में, है ना। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक इनके हम खूब बढ़िया जो है चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, फिर लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा हो जिन्हें आप लगता हो कि अगर हम चैनल रिकमेंड करेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है, सर बकवास कम और कानून काम की बात ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप जरूर जो है चैनल रिकमेंड कीजिए, है ना। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप निसंकोच होकर कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।